ये कर फिर दिखाओ, ये फिर ये। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिनेश, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गेमिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गेम के बारे में जिसके ग्राफिक देखने के बाद इस गेम को आप जरूर डाउनलोड करना चाहेंगे। ये गेम फुल एक्शन से भरा ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यानी अपलोड करूंगा, और आप इस गेम को जरूर डाउनलोड करना चाहेंगे अगर आप गेम प्ले देख सकते हैं। बात करूँ गेम की सेटिंग्स की, तो ये गेम आपके PSP गोल्ड में नहीं चलेगा। बहुत अच्छी सेटिंग आने के बाद भी ये गेम सुपर PSP एम्यूलेटर में चलेगा, और वही एक एम्यूलेटर है जिसमें ये गेम बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है, अभी देखिएगा। ये देखिए, दोनों में आप बहुत डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, आपको कौन सा जो गेम प्ले अच्छा लग रहा है, या सुपर PSP वाला या PPSSPP गोल्ड वाला। मेरे को तो इनमें से जो है सुपर PSP एम्यूलेटर वाला गेम प्ले बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर ग्राफिक भी अच्छे आ रहे हैं और गेम कोई अटक भी नहीं रहा है। इसलिए जब भी मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी गेम अगर आपके फ़ोन में लैग करता है PSP गेम, तो आप उसको सुपर PSP एम्यूलेटर में खेलें, क्योंकि उसके अंदर ये गेम बहुत ही अच्छे से चल जाता है, चाहे कोई भी PSP गेम क्यों ना हो। तो इस गेम को आप सुपर PSP एम्यूलेटर में खेलिएगा, उसके अंदर ही ये गेम अच्छी तरह से चल सकता है। और आपको छोटी सी सेटिंग्स करनी होगी, वो सेटिंग क्या करनी है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप गेम प्ले देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये गेम है ओपन वर्ल्ड। गेम की सेटिंग्स क्या होगी और गेम को कैसे चलाना है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आपको मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है दो एप्लीकेशंस की जरूरत होगी, पहला जेड आर्चीवर और दूसरा सुपर PSP एम्यूलेटर। इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको पहले ओपन करना है जेड आर्चीवर को। आपको जो दो फाइल्स दिख रही होगी ना, इन दोनों फाइल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर इन पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर मांगेगा ये आपसे पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको लिखना है पूरे स्मॉल में, PPRINCE स्पेस BY स्पेस ANDROID स्पेस GAMING। डन, ओके, अप्लाई टू ऑल फाइल्स पर टिक करें और स्किप। अब जो फोल्डर मिला है उसके अंदर जाने से पहले आपने जो दो फाइल्स डाउनलोड करी थी उन दोनों फाइल्स को आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उन फाइल्स का कोई काम नहीं है। अब जो फोल्डर मिला है उसके अंदर जाइए, अब गेम के फोल्डर में जाइए और यहाँ पर आपको गेम की ISO फाइल मिल जाएगी जिसका साइज होगा 705 MB। गेम की ISO फाइल मिल जाने के बाद ओपन करना है सुपर PSP एम्यूलेटर को। इस एम्यूलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये ऑफलाइन जो है चलेगा, इसके सारे गेम्स ऑफलाइन चलते हैं। अब उस फोल्डर में आपको जाना है जहाँ आपने उस गेम को जो है एक्सट्रैक्ट किया था। तो मैंने इस डाउनलोड के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया था। इस फोल्डर के अंदर आपको गेम की ISO फाइल दिख रही होगी, इस पर क्लिक करते ही गेम ओपन हो जाएगा, लेकिन हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। हमें गेम को जो है हमें गेम की सेटिंग्स करनी है, फिर गेम को ओपन करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करें और यहाँ से आपको ऑटो फ्रेम स्किप पर टिक कर देना है। रेंडरिंग रेजोल्यूशन को ऑटो रख दीजिए और डिस्प्ले रेजोल्यूशन को ऑटो समेज रेंडरिंग रेजोल्यूशन। और हाँ, जिनके आप यूँ मत सोचिएगा कि मैं बिना सेटिंग करे मेरे फ़ोन में अच्छी तरह से चल जाएगा गेम, आपको जो ये रेंडरिंग रेजोल्यूशन को ऑटो पर सेट कर देना है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन को ऑटो समेज रेंडरिंग रेजोल्यूशन, क्योंकि इससे आपके गेम के ग्राफिक्स इंक्रीज होंगे। अब आपको नीचे आना है और इन सब पर टिक कर देना है, फिर आपको जो है बैक आ जाना है, फिर आपको ऑडियो में क्लिक करना है और लास्ट के दोनों ऑप्शन पर टिक कर देना है, बैक आना है और गेम के आइकन पर क्लिक करके गेम को ओपन कर देना है। फिर आपका गेम यहाँ पे बहुत ही अच्छे ग्राफिक के साथ शुरू हो जाएगा और इस गेम के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा आप इस चैनल के बारे में, क्योंकि इस चैनल पर आपको टॉप गेम्स की वीडियोस मिलेगी, ऐसे गेम्स जो कि आपके फ़ोन में सपोर्ट करते हो और जिन्हें आपको खेलने में भी मज़ा आता हो। मैं गेम ऐसा कभी प्रोवाइड नहीं करूँगा जिसे खेलने में कोई मज़ा ना आए और उसके जो है ग्राफिक्स आपको पसंद ना आए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।